हर की पौड़ी से गैर हिंदुओं को भगाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक व्यक्ति पर दूसरे समुदाय के युवक युवतियों को गैर हिंदू होने के कारण गंगा घाट से भगाने से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सोमवार को मामले की जाँच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि वीडियो को हरिद्वार के प्रसिद्ध महाराजा अग्रसेन घाट पर बनाया गया। इस वीडियो में युवक दूसरे समुदाय के युवक युवतियों को बाहर निकलने के लिए धमकाता नजर आ रहा है और ये कहते सुनाई दे रहा है कि गंगा घाटों पर सिर्फ हिंदुओं को आने की अनुमति है। वीडियो में हालांकि युवक युवतियां उस युवक से बहस करते दिख रहे हैं और एक युवक तो कह रहा है कि वो हर की पौड़ी पर गाड़ी चलाता है, लेकिन उन्हें बाहर भगाने वाला युवक कुछ भी सुनने से इनकार करते हुए उनसे घाट परिसर से बाहर जाने को कहता रहता है। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने घटना को संवेदनशील मानते हुए शहर क्षेत्र अधिकारी जूही मंदराल को मामले की जांच सौंप दी है। नगर पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार ने कहा कि वीडियो और घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है तथा युवक युवतियों को गंगा घाट से बाहर भगाने वाले युवक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स भी लगातार कॉमेंट्स कर रहे हैं। एक शख्स ने इस मामले में ट्विटर पर कहा, कुछ बड़े मुस्लिम देशों में हजारों हिंदू भी है, अगर ये खोखा पार्टी के अंधत्तों की वजह से वो लोग भी उनको भगाने लग गए तो। ट्विटर पर इस वीडियो के वायरल होने पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ये कैसा भारत हो गया है हमारा, मैं भी हिंदू हूँ लेकिन ऐसे सार्वजनिक जगहों पर हिंदुओं का प्रभुत्व, ये अधिकार दे कौन रहा है इन्हें, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। इनके खिलाफ मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, यहाँ सबको समान अधिकार है। एक और ने लिखा, सबसे बड़ी पागल तो ये लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे हैं। जब किसी भी धर्म की आस्था है तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है, वो बिना मतलब के लोग बखेड़ा कर आते हैं, ये कुछ ऐसे ही चंद मुसलमान है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे।